गाइस आखिरकार फ्रैंकलिन को इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D में एक छोटी सी सिटी मिल चुकी है। अरे बाबा, और ये सिटी आप देख सकते हो सब कुछ छोटा छोटा है। हमारा जो फ्रैंकलिन का हाउस है वो भी काफी ज्यादा छोटा लग रहा है। और फ्रैंकलिन के हाउस के बाहर ये तीन NPC क्या कर रहे हैं और ये लोग अभी अचानक से फ्रैंकलिन के घर में क्यों जा रहे हैं? तो गाइस वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इस वाले वीडियो में पता चल जाएगा। अच्छा गाइस, तो अभी तक आपने इस गेम में काफी सारे मोड्स खेले होंगे लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको ऐसा मोड खेल के दिखाने वाला हूँ जो कि आपने लाइफ में कभी नहीं खेला होगा। सो जी हाँ गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो टाइनी सिटी करके जो मोड है। गाइस तो अगर आप लोगों ने ये वाला मोड खेल लिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने इस वाले मोड को नहीं खेला तो वीडियो को पूरा देखना। गाइस आपको पता है मैं ये वाला मोड खेलने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों हूँ, क्योंकि गाइस जितने भी इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D के डायनासोर से और जितने भी NPC से मैं चाहता हूँ सबको छोटा करने के बाद सबको इस वाली छोटी सिटी में टहलाऊंगा एंड काफी ज्यादा मजा आएगी उन लोगों को छोटा छोटा देखने में। सो मैंने यहाँ पे गेम को स्टार्ट कर दिया है एंड मैं इधर पुलिस स्टेशन में आ चुका हूँ। गाइस आपने देखा होगा कि बाकी सब मोड में तो कुछ और ही होता है बट इस वाले मोड में तो मैं सीधा पुलिस स्टेशन में आ चुका हूँ एंड पुलिस मुझे पकड़ भी नहीं रही। ये क्या चल रहा है, मैं पुलिस स्टेशन के अंदर क्यों आया हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ओके, यहाँ पे लिखा है किल 5 पुलिस ऑफिसर। ओके सो गाइस हमें इस वाले पुलिस स्टेशन में, मेरा मतलब है यहाँ पे 5 पुलिस ऑफिसर्स को किल करना है। ये तो बहुत ज़्यादा इजी तो नहीं होने वाला क्योंकि हम पुलिस स्टेशन के अंदर है एंड यहाँ पे पुलिस हमें कभी भी उड़ा सकती है। अगर मैं यहाँ से इनको मारूंगा तो हो सकता है कि पीछे से पुलिस आके मुझे मार दे। मैं काम करता हूँ, ये दरवाज़ा बंद कर देता हूँ इधर से पुलिस स्टेशन का एंड इसको मैं पुलिस स्टेशन के दरवाजे के ऊपर लगा देता हूँ जिससे बाकी की पुलिस बाहर ना आए एंड ये वाली पुलिस को मैं इजीली मार पाऊँ। सो इनको दो पुलिस वालों को मारने के बाद मैं बाकी की पुलिस को भी मार दूंगा। यहाँ से मैं मोड ऑफ कर देता हूँ, मैंने मोड ऑफ कर दिया है एंड अभी मैं मारने वाला हूँ दोनों के दोनों पुलिस वालों को। सो इसको मैं सबसे पहले हेडशॉट देता हूँ। अबे इसको तो कुछ भी नहीं हुआ यार, इसको भी कुछ, चलो एक तो हो गया एंड यहाँ पे मेरे पास इतने ज़्यादा पुलिस आ चुके लेकिन ये लोग को गन से नहीं मार रहे मुझे, बट ये गन से मार रहा था। एक सेकंड में अंदर आ चुका हूँ दीवार कूदने के बाद, बट ये लोग तो दीवार के आर पार आ जा रहे और मैं दीवार कूद के जा रहा हूँ, ये तो काफ़ी ज़्यादा नाइंसाफी हमारे साथ। सो गाइस मुझे अब इनको RPG से उड़ाना ही पड़ेगा, बट अगर RPG अभी चला दिया तो मैं ही मर सकता हूँ, इससे अच्छा है मैं गन से ही मारूंगा। सो यहाँ पे मैंने गन से इनको मार दिया है एंड सामने वो पुलिस वाला मुझे मार रहा है, मैं इसको हेडशॉट दे देता हूँ। इस वाली गन से उसको कुछ हुआ क्यों नहीं, मुझे एक और तरीके से हेडशॉट देना पड़ेगा बट इस वाली गन से तो कुछ हो नहीं रहा। तो मैं स्नाइपर से मार रहा हूँ और स्नाइपर तो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। ओके तो इतने टाइम के बाद मरा, क्या पता उसके हेडशॉट पे हेड ही ना लग रहा हो, जान दो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मैंने 5 लोगों को तो मार दिया है, अब मुझे क्या करना है वो बताओ। गाइस तो मैंने इस वाले मोड के फर्स्ट वाले मिशन को कंप्लीट तो कर लिया है लेकिन अभी तक यहाँ पर कुछ भी नहीं आया और वो छोटी सिटी भी नहीं दिख रही है, टाइनी सिटी तो दिख ही नहीं रही है। अब कहाँ जाऊँगा मैं, कहीं मेरे साथ कोई स्कैम तो नहीं हो चुका है क्योंकि यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा। अब क्या होगा गाइस, ये क्या हो रहा है? ओके एक सेकेंड, तो हमने फर्स्ट वाला मिशन कंप्लीट करा था तो इधर कोई सेकेंड वाला मिशन आ चुका है एंड हो सकता है गाइस इस वाले मिशन को अगर मैं कंप्लीट कर दूं तो मुझे टाइनी सिटी मिल जाए और हमें छोटी वाली सिटी में जाने का मौका मिले या हो सकता है कि हम उस सिटी को अपने घर में ला के रख सके। सो यहाँ पे मेरे सामने एक कार तो पड़ी है बट मैं काम करता हूँ, मुझे ये वाली कार नहीं चाहिए, मैं अपनी ही कार ले लूंगा। मैं काम करता हूँ डिफेंडर ही ले लेता हूँ। सो यहाँ पे मैंने अपने डिफेंडर तो ले लिए एंड मैं इस वाले मेगा रैंप या फिर जो भी बोले मिशन को कंप्लीट करने के लिए जा रहा हूं। यहां पे मैं अपने डिफेंडर को स्लोली स्लोली करके ऊपर चढ़ा रहा हूं एंड यहां पे आप देख सकते हो सामने से रास्ता चेंज हुआ है। सो अभी मुझे स्लोली और ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि अगर एक भी गलती हुई तो इस वाले मिशन में मैं फेल हो जाऊंगा एंड अगर इस वाले मिशन में फेल हो गया तो हमें हो सकता है टाइनी सिटी मिले ही ना। सो गाइस हमें टाइनी सिटी चाहिए, स्मॉल सिटी चाहिए, तो हमें बिना कोई गलती के इस वाले रैंप को पूरा करना पड़ेगा। लेकिन अगर जब तक मैं इस वाली गेम को कंप्लीट करता हूं, सेकंड वाले मिशन को कंप्लीट करता हूं, तब तक आप फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में OP लिख दो एक बार ताकि मुझे पता तो चले कि किस किस को चाहिए उस वाला मिशन या फिर ये वाला मोड किस किस को चाहिए, मैं ये देख लूं एक बार। तो फटाफट से कमेंट में OP लिख दो।
बाकी डिफेंडर तो एक नंबर ही चला रहा हूँ मैं। आप देख सकते हो इधर किस तरीके से मैं डिफेंडर चला रहा हूँ। मेरे सामने ये वाला जो रैंप है मुझे बस इसको कंप्लीट करना है। एंड हाँ गाइस, अभी अपना रैंप ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाला है क्योंकि अब ये खत्म होने वाला है। एक काम करता हूँ, इसको पूरी तरीके से खत्म करने के बाद फाइनली 2-3 घंटे मेहनत करने के बाद मैंने इस वाले मिशन को कंप्लीट कर लिया है, सेकेंड वाले मिशन को। एंड मैं एक भी बार घिरा नहीं था, बट मैं स्लोली स्लोली गाड़ी चला रहा था और इस वाला मिशन बहुत ही ज्यादा मुश्किल था और लंबा था, सो इसलिए मुझे काफी ज्यादा देर लग गई। बट इस वाले मिशन को कंप्लीट करने के बाद अभी मैं अपने डिफेंडर को लेके नीचे जा रहा हूं। एंड यहां पे मैं अपने घर पे आ चुका हूं क्योंकि एक मैसेज आया था, सॉरी मैं आप लोगों को बताना भूल गया, लेकिन उस वाले मैसेज में लिखा था कि मुझे अपनी छोटी सिटी मिल चुकी है, अपनी टाइनी सिटी मिल चुकी है। सो फाइनली गाइस, यहां पे आप देख सकते हो। एंड गाइस, इस सिटी में आप देख सकते हो कि यहां पे फ्रैंकलिन बैठा हुआ है और ये वाली सिटी कितनी ज्यादा छोटी है। एंड यहां पे अपना हाउस और सारी की सारी बिल्डिंग्स दिख रही है और यहाँ पे अपना ओल्ड हाउस भी आपने देखा अभी। एंड यहाँ पे हमारा पूरा की पूरा विलेज आ चुका है सीधा हमारे टेबल के ऊपर और फ्रैंकलिन बहुत ही ज्यादा बड़ा दिख रहा है। सो गाइस, आपने देख लिया हमारी पूरी सिटी का महल, मतलब पूरी सिटी का मैप देख लिया है आपने। एंड यहाँ पे 3 NPC है जो की फ्रैंकलिन के घर में जा रहे है। गाइस, अगर आपको ये वाला मोड चाहिए तो बस आपको 2 चीजें करनी पड़ेगी। वीडियो को सबसे पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि जैसे मैं अपने इस वाले वीडियो का या फिर इस वाले मोड का लिंक डालूं सीधा आपके पास आ जाए एंड आप इस वाले मोड को खेल सके। ओके गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।